हमने जीत लिया है तो अब ये नहीं चाहते कि हम प्रमोट हो जाएं। मम्मी पापा भी लगे स्मार्टफोन लिया है कुछ तो कर, और एजुकेशन से दूर भगा रही है कि मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है, ये जो तुमने किया है ये नारायण को मत बताना। और फिर भी समझ में ना आए तो समझ लेना अब कुछ बुरा होने वाला है, और ईमानदारी से पूरी बात बोल के जाना। परमिशन के लिए झूठ बोल के आधे प्लान को बताते बाकी के प्लान को छिपा लेते। अरे पत्नी को भी फूल देना है तो 14 फरवरी को क्यों देना है? ज्वालामुखी आफ्टर 5 ईयर्स हो ही जाना है। अच्छा नारद जी को अच्छा ही नहीं लगा, नारद जी को लगा ये जो है ना ये भगवान शंकर भगवान खुद तो क्रोध को जीत नहीं सके है? और हमने जीत लिया है तो अब ये नहीं चाहते कि हम प्रमोट हो जाएं, हमारे भी थोड़े वीडियोस बने, हमें भी रील्स मिले, लाइक्स मिले, हमें भी आजकल काम आधे से ज्यादा काम तो रील्स का है, वीडियोस का है, लाइक्स का है, कमेंट्स का है। छोटे बच्चे छोटे क्या कर रहे हैं? रील्स बना रहे, वीडियोस बना, डांस कर रहे हैं, डायलॉग्स बोल रहे हैं। अरे तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, जीवन भर इसको कर लेना भाई, जब करना चाहो अभी पढ़ लो ना। मम्मी पापा भी लगे स्मार्टफोन लिया है कुछ तो कर, मम्मी वीडियो बना रही है और बच्चे को पॉपुलर बना रही है और एजुकेशन से दूर भगा रही है, आया ना। खैर नाराज जी बोले हम तो देखते हैं। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी को जाके मैसेज दिया कि मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है। अच्छा ब्रह्मा जी ने भी कह दिया देखो जो किया तुमने बहुत अच्छा किया है, ठीक है नारायण को मत बताना, ये जो तुमने किया है ये नारायण को मत बताना। फिर का शंकर भगवान ने समझाया, ब्रह्मा जी ने समझाया, नारद जी की समझ में आया? जवाब दो। बच्चे लोग ध्यान से सुन लो, जब पापा समझाएं और जब दादा समझाएं और फिर भी समझ में ना आए तो समझ लेना अब कुछ बुरा होने वाला है। फिर एक बार आग्रह कर रहा हूं, तुम पापा से पूछ के जाओ कि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, और ईमानदारी से पूरी बात बोल के जाना, आधी अधूरी नहीं। ये मत कहना फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, ये कहना फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, फ्रेंड्स नहीं फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, और सिंगल जा रहे हैं, और प्लान इज दैट हम लोग इस होटल में जाएंगे, हम यहां खाना खाएंगे, हम ये पूरा बोल के जाना अगर हिम्मत है तो, क्योंकि हमें पता है बच्चे जब कुछ प्लान करते परमिशन के लिए झूठ बोल के आधे प्लान को बताते बाकी के प्लान को छिपा लेते। तो जब पापा से पूछो और पापा मना कर दे इट्स नॉट गुड, फिर दादा से पूछोगे मानोगे नहीं, दादा प्लीज, अब तुम समझो हम 18 साल के हो गए तो दादा अभी कहे इट्स नॉट गुड, महाराज ने मना किया देवकी नंदन ने, हमें वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए, ये पापियों का त्यौहार है, हमारा क्या त्यौहार है, हम तो पुण्यात्मा लोग हैं। अरे पत्नी को भी फूल देना है तो 14 फरवरी को क्यों देना है? आज दे देना, आज पकड़ा फूल, कौन मना कर रहा है? और हम तो कह रहे हैं पूरी फरवरी देता रहे, गेंदे का फूल दे ले, कमल का फूल दे ले, चमेली का फूल दे ले, और वो कौन सा है वो रात रानी का फूल पकड़ा दे, खुशबू रहेगी रूम में, और ज्यादा नहीं तो सूरजमुखी पकड़ा ले, चंद्रमुखी तो वो है ही, ज्वालामुखी आफ्टर 5 ईयर्स हो ही जाना है, टेंशन दे दे फूल जो देना है। शादी से पहले कितनी सुंदर लगती है, एकदम चंद्रमुखी पूर्णिमा के चांद की तरह, कौन से चांद की तरह? पूर्णिमा के, ये पूर्णिमा कौन है? नहीं 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 पूनम होती, अरे पूनम कौन है? नहीं नहीं वो आकाश एक तिथि है हिंदुओं की जिसका नाम है पूर्णिमा। अच्छा मैं समझी कोई और है पूनो, नहीं वो नहीं, पूनम के चंद्रमा की तरह कितनी सुंदर लग रही है, चंद्रमुखी लग रही है, 2-3 महीने बाद है। हाँ कहां से आ रहे हो, कहां थे? थोड़ा ट्रैफिक था वो चौड़ाई पे, थोड़ा ट्रैफिक वहां थोड़ा अटक गया, थोड़ा लेट हो गया,
आजकल कुछ ज्यादा ही लेट हो रहे हो, तुम्हें नहीं लग रहा तुम्हारा जाम कुछ ज्यादा ही लग रहा है? एवरीडे तुम जाम में फंस रहे हो आजकल, बता रही हूं, 3 महीने में बता रही हूं, पति के भाव बदलिया। 3 महीने चंद्रमुखी थी, आज तो सूरजमुखी लग रही हो। हा दया हो गई। 1 साल नहीं हुआ पति लेट हुआ, पत्नी ने मारा खींच के घुसते ही गेट में, चमचा था हाथ में, चमचा दाल में ऐसे घुमा रही थी, और जैसे ही पति घुसा और एक मारा चमचा, बोले 1 साल में चंद्रमुखी से ज्वालामुखी का दर्शन हो गया हमारा। ताली भी सब देवियां ही बजा रही, गजब की बात है। देखो क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।